السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين प्यारे बच्चों क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे तो आह ला हमेशा आपको अपनी हिफ्स मान में रखे आपको बेहतरीन तरीके से दिन सीखने और इस पर अमल करने वाला बनाए और दूसरों को भी बताने वाला बनाए आमीन प्यारे बच्चों आज हम तयम करने का मसनून तरीका सीखेंगे नहीं मालूम तयम क्या होता है आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि तयम क्या होता है बच्चों जब वजू करने के लिए या पाक होने का गुसल करने के लिए पानी ना हो या नहाने की सूरत में बीमार होने का या जान जाने का खतरा हो तो पाक मट्टी से तयम किया जाता है आप सोच रहे होंगे वो कैसे आइए तयम का तरीका सीखते हैं नंबर एक बिस्मिल्लाह पढ़िए बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है जी काम में बरकत हो जाती है ना। नंबर दो अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर मारिए या किसी ऐसी चीज़ पर लगाइए जिस पर मट्टी के ज़रात नज़र आ रहे हों जैसे कहीं डस्टिंग की ज़रूरत होती है ना, मसलन दीवार पर या आपकी कोई मेज़ या कुर्सी होगी ना लकड़ी की उस पर या शीशे पर या गाड़ी के डैशबोर्ड पर जी बच्चों सोफा नहीं हो सकता अगर वो कपड़े का है कपड़े पे डस्ट नज़र नहीं आती ना जी बच्चों कुछ लोग घर में मिट्टी का मटका या फिर मट्टी का कोई प्याला रख लेते हैं उस पर जो डस्ट होती है ना उस पर दोनों हाथ टकरा लेते हैं और उसको लगा लेते हैं जी बच्चों डस्ट लगा ली ना अब फूक मारकर आपने जो फालतू गर्दो गुबार है ना वो अपनी हथेलियों से उड़ाना है बस सुन्नत है एक दफा फूंक मार दीजिए और दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर लीजिए नंबर तीन अब बाएं हथेली को दाएं हाथ के ऊपर मलिए या फेर लीजिए और दाई हथेली को बाएं हाथ के ऊपर फेर लीजिए आप इसका उल्ट भी कर सकते हैं कि पहले दाई हथेली को बाएं हाथ के ऊपर फेरिए और फिर बाई हथेली को दाएं हाथ के ऊपर फेर लीजिए बस तयम हो गया बाज़ुओं पर या पांवों पर हाथ फेरने की ज़रूरत नहीं होती सिर्फ चेहरे पर और दोनों हाथों के ऊपर वाले हिस्से पर हाथ फेरना होता है प्यारे बच्चों तयम का यह तरीका आपने अपने बड़ों के सामने भी करना है और उनसे भी रहनुमाई लेनी है दुआ है लस बना आपकी सेहत में वक्त वक़े और इल में बहुत सी बरकतता फरमाए आमीन बच्चों अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा सुबह नब्बी हमदी का न श्लांत न स्त फिर का व न तो वसलमकूँम वरह